आपके कंसंट्रेशन बना रहे, काम करने कोई दिक्कत ना हो, ये भी देखना होता है, थोड़ा सा आराम मिल जाए। कई बार ऐसा होता नहीं, बाद में धूप आ जाता है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे जो आज जिस तरह से विक्रम सर ने प्लानिंग किया, काफी अच्छा है। एक बिगिनर लेवल से स्टार्ट करके हम एडवांस तक लेके जा सकते हैं। जिस तरह से पिछले दिन हमने कुछ ड्राइंग सीखने की कोशिश किया, आज हम टोनल वैल्यू के ऊपर बात कर रहे हैं। टोनल वैल्यू क्या है वो हमको पहले समझना पड़ेगा कि टोनल वैल्यू क्या होता है। टोनल वैल्यू है किसी भी कलर्स का लाइट और डार्क के जो दूरी को हम बोलेंगे टोनल वैल्यू। तो यहाँ पे किसी हम एक कलर के जरिए भी कर सकते, वो रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, आप पेंसिल से भी कर सकते हैं टोनल वैल्यू, ठीक है। बट एनीवे आज हम क्या करेंगे, वाटर कलर के जरिए एक टोनल वैल्यू हम करने जा रहे हैं। जिसके अंदर ये टोनल वैल्यू क्यों करना चाहिए, हमें जब मल्टी कलर दिखता है ना स्पॉट के अंदर, तो रेड में कितना रेड है और व्हाइट में कितना व्हाइट है वो हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते। तो टोनल वैल्यू करते करते आपको वैल्यू का थोड़ा सा नॉलेज बन जाता है, पता चलता है। आज हमारे पास साधन है कि हम एंड्रॉयड वगैरह से फोटोग्राफ जब करते हैं, उसको एडिट करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में जब फिल्टर करते हैं, तब हमको समझ में आता है कौन सा लाइट है कौन सा डार्क है। और आप जब काम भी करते उसको भी फोटोग्राफ करके ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्टर करो, वो क्या चल पता चलेगा, वैल्यू पता चलेगा जिसकी हम आज कर रहे काम, ठीक है। कि फिर आप जब स्पॉट का फोटो लिया है, ये आप प्रैक्टिकल खुद कर सकते हैं, स्पॉट का फोटो लिया और आपने जो काम किया है उसको दोनों का जब फिल्टर करेंगे तो आपको दिखेगा दोनों के अंदर ये कहाँ पे आपको लाइट देना था, कहाँ पे और डार्क देना था। अच्छा, वैल्यू के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू को अभी हम स्टेज बना सकते हैं, जैसे उसका 100 स्टेज भी बना सकते हैं, फिलहाल हम 10 स्टेज भी बना सकते हैं, 4-5 भी स्टेज बना सकते हैं। उसको देखना पड़ता है कि हाईलाइट कहाँ पे, वो जैसे हाईलाइट है, सुपर हाईलाइट है, तो हाईलाइट टू जो अंधेरा डार्क के अंदर वो क्या वैल्यू चेंज हो रहा है ना, लाइट टू डार्क, उसको हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो अगर हम वो टैंक यू का अगर एक नंबर व्हाइट मान के चलते या 0 नंबर मान के चलते, तो दूसरे में कौन सा आएगा, बताओ बताओ बताओ, ये फ्रेम है, ये एरिया, दूसरे में कौन सा आएगा, दूसरे दोनों आंखों को पलकों को 80% बुझा दो, देखो कौन लाइट है, ये लाइट है ना, ये लाइट है ना, थोड़ा आसमान नहीं है, हमको क्या लगता है आसमान है, आसमान नहीं है, आसमान होता तो ये इतना नहीं चमकता। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है वैल्यू, ठीक है, है ना। तो अब देखो कि अब सबसे पहला व्हाइट कौन था, वो टैंक, पर टैंक को तो हम ऐसे नहीं रखेंगे, चलो रखेंगे नहीं रखेंगे वो बाद की बात है, देखेंगे। तो यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि वो हो गया 1, ये हो गया 2, फिर आसमान चला गया 3 नंबर पे, उसके बाद 4 नंबर पे दीवार आ गया। दोनों हाथों के पलकों को 80% बुझा दो, 50% पूरा मत बुझा देना। तो 80% बुझाने के बाद आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं कि फिर थोड़ा सा और डार्क है कहाँ पे, वो शेड्स के अंदर, ठीक है, शेड्स के अंदर जो है वो है, उससे और डार्क है जो टेम्पल के अंदर चले जाता है या छोटे छोटे जो वो घर बना हुआ उसके अंदर, ऐसे करके आप मिनिमम आपके पेंटिंग के अंदर 5 तो होना चाहिए, 5 वैल्यू मिनिमम हो जाए तो मजा आ जाए। तो वैल्यू के जरिए फॉर्म क्रिएट हो रहा है। अभी यहाँ पे वही चीज है कि किसी भी कलर्स को हम विक्रम सर कुछ ऐड करना चाहेंगे, वो देखो ना ऐसे करके देखो क्या कितना डार्क है, किसके साथ वो कौन से लेवल पे जाना चाहता है और कितना डार्क पे जाना चाहता है, वो कहाँ से वो देख लेते हैं अभी बताते हैं। तो उससे पहले हम क्या आपको बता रहे हैं कि जो घर की बात कर रहे थे, मतलब जो कलर लेयर की बात कर रहे थे, वो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे एक पेंट स्प्रे को हम लाइट टू डार्क, एक वैल्यू जो मैं बात कर रहा था, तो हाँ पेंट स्प्रे है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा डार्क उस तरफ छोड़ रहा हूँ और नीचे की तरफ वो लाइट कर रहा है ना। तो ये धीरे धीरे वो डार्क टू लाइट पेपर व्हाइट की तरफ जो स्टेज है, हम कैसे स्टेज मेंटेन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 व्हाइट तक, ठीक है।
ऐसा करके आप 10 स्टेज भी बना सकते हैं। ये हो गया स्टेज, तो ये स्टेज की बात कर रहा हूँ। जैसे ये व्हाइट वहाँ पे चला गया, ये अभी 2 नंबर 3 नंबर है कहाँ पे है या नहीं है, ये वाला तो नहीं लग रहा है, तो ये हो गया आपका वैल्यू। ऐसे वैल्यूज के जरिए हम उस पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी फटाफट मैं थोड़ा सा ड्राइंग कर लेता हूँ, फिर ड्राइंग के साथ इसको काम करेंगे। तो यहाँ पे 4-5 वैल्यूज में भी काम कर सकते हैं, हो सकता है एक आधा डार्क हमें लेना पड़ जाए, ठीक है। तो ये है, समझ में आ गया। तो ये जो ये आपको 10 भी हो सकता है, 100 भी कर सकते हैं आप, 4-5 भी, मिनिमम 5 करो जिससे कि उसका फॉर्म ठीक से बन जाए, ठीक है। सर 5 को अगर आपको नेम करना रहेगा तो आप क्या नेम करेंगे? 1 2 3 4 5 नहीं वैसे नहीं, मतलब अगर आपको जैसे बोलना है कि पहला पेपर वाइट है, फिर दूसरा अगर आपका लाइट वॉश है, मतलब वैसे अगर आपको नेम करना है तो नाम क्यों करना, नंबर कर लो ना नाम से, अभी तोता मैना करके नाम रखो आपको, अगर आपको नाम ही रखना है तो तोता मैना गुड्डू शुड्डू करके रखो ना, क्या है। चलिए मजा आया। अनसर्टेन ग्रे करके भी आता नहीं, डार्क नहीं, इनका कहना है, इनका कहना क्या था, लाइट, अभी फोन पे कह रहा है, तो एक लाइट कलर होता है, एक मिड टोन होता है, एक डार्क होता है, शैडो होता है, इनका कहना ये था, बट उसके और शायद ऐसा कुछ नाम नहीं है, क्या बोलेंगे उसको, पढ़ना नहीं है ज्यादा, टू मच हो जाएगा, याद नहीं रहेगा। तो अभी यहाँ पे हमने गलती किया, जब तक बात कर रहे थे विक्रम से ड्राइंग कर देते तो अच्छा था, तो और इतने खतरनाक आर्किटेक्चर के सामने अचिंत हजरा बैठा है, थोड़ा सा मैं बहुत सिंपल करके जाऊंगा, बस आपको टोनल वैल्यू का जो अंडरस्टैंडिंग के लिए शायद वो बेस्ट रहेगा ऐसा करके, क्योंकि मुझे एक कलर के साथ आपको दिखाना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक बात करूंगा कि मल्टी कलर होने से क्या फर्क पड़ता है, जैसे ये ब्लैक, ये पेंस ग्रे का वैल्यू है ना, शायद रेड कलर का वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा, शायद इसके साथ वो इस घर में रेड आने वाला वैल्यू मैच नहीं करेगा, शायद वो ये वाला घर का कलर उसके साथ मैच कर रहा है। तो होता क्या है, आपके स्पॉट के अंदर क्या वैल्यू है वो आएगा, धीरे धीरे आएगा, मतलब जिस तरह से आप कर रहे हो, और आंखों के पलकों को जरूर बुझाना है, मोटे मोटे शेप से मोटे मोटे दिख रहा, यही पेंटिंग है। सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, उससे थामनेल से आपके सिंप्लीफाई होता है, बोले सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपल कैसे करेंगे, तो थामनेल क्या होता है, छोटा हो जाता है, जब आपकी स्टूडियो 10x10 फीट हो जाएगा ना, आप उसमें फ्रिज नहीं डालेंगे, सोफा नहीं डालेंगे, आप जितना जरूरत वही डालेंगे। आपके स्टूडियो जब 20x20 हो जाएगा, आप सोचेंगे सोफा भी डाल देता हूँ, है ना, एक सेंटर टेबल भी डाल देता हूँ, तो वो जरूरत के सामान है नहीं, वो डालते रहते हैं। तो यही होता है, जो थामनेल होता है वहाँ पे चीजों, जो मेन चीज है जिसके लिए हम बैठे वही करते हैं, ठीक है। इसी चीज को थोड़ा सा बड़े पेपर में बड़ा करना पड़ता है, उसके साथ स्टोक्स बड़े होने चाहिए, ब्रशेस बड़ा होना चाहिए, इस तरह से। चलो फिर देखते थोड़ा, हाँ थोड़ा सा अगर वन टम्बर में करे तो कैसा रहेगा, शायद ये कलर भी टच करेगा, और ये आइडिया मुझे निशी सर नहीं बता रहा था, यहाँ का कैरेक्टर भी आ जाएगा। हाँ तो टोनल स्टडी में मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीमिंग की जाती है। अच्छा, जो आपको जो कलर बट ओपेक कलर, डार्कर से टोनल वैल्यू का मतलब ही वो है कि हर अभी उनकी पैलेट में देखो कितने सारे कलर, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, अभी आप इसका फोटो निकालो और इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करके देखो और चेक करो कि हर एक कलर उसकी प्योर पोजीशन में कौन सा टोन बता रहा है, समझ गए हो। जब हम कलर पेंटिंग करते हैं तब हम भूल जाते हैं कि यार ये येलो कलर या जो ग्रीन कलर हमने लिया है उसकी टोनल वैल्यू क्या है, समझ गए हो। उसके लिए एक्सरसाइज है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप हर कलर में टोनल स्टडी करके देखिए, येलो में भी करके देखिए, रेड में भी करके देखिए, ग्रीन में, ब्लू में, सब में, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा कलर का टोनल वैल्यू कितना लाइट है और कितना डार्क है। तो हम लोग क्यों ब्राउन, ब्लूज और पेंस ग्रे टोनल स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी टोनल वैल्यू डार्क के साथ अचीव कर सकते हो, येलो से आपको डार्क टोन नहीं मिलेगा, रेड से भी आपको डार्क टोन नहीं मिलेगा, इसीलिए सेपिया, ब्लू या ये जो डार्क होते हैं ये करते हैं, लेकिन आप करके देखिए। ब्लैक क्यों नहीं, ब्लैक भी करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ना जो कंपोजिशन का लेआउट करने के लिए आप थंबनेल का इस्तेमाल करें, छोटा सा, ठीक है, जिसके अंदर आप सजा सकते हैं। थंबनेल क्या होता है थोड़ा वो भी बता देता हूँ सर, है ना, थंबनेल क्या होता है, आपके ये आपने ये पेपर लिया या जो भी फ्रेम करना चाहते हो, जरूरी नहीं आपने जो पेपर लेके आया है वही है, यहाँ से काटना पड़े तो कटो,
वो रख के वो खराब होना है, उससे अच्छा कट के खराब करो उसको ताकि आपके पेंटिंग अच्छा हो जाए। तो आप एक लेआउट कार्ड होता है, तो मैं लेके आया शायद, मैं अभी छोड़ देते। लेआउट कार्ड क्या होता है, उसके अंदर एक कटअप होता है, मैं कई बार वीडियो में बताया भी है लेआउट कार्ड होता है, उसके अंदर से आप फ्रेम बनाते हैं। तो नहीं नहीं चाहिए, आप समझ रहे हो ना, वो पता है सबको। हाँ ऐसा कुछ, उसके जरिए क्या है कि आप उसको फ्रेम बना सकते हैं। फ्रेम का भी फिक्स नहीं है कि ऐसे आयताकार में होगा या पोर्ट्रेट मोड में होगा, ऐसा नहीं। आप डिसाइड करो कि स्क्वायर में अच्छा लगेगा या थोड़ा लैंडस्केप में अच्छा लगेगा, डिसाइड करो। ऐसे डिसाइड कर लिया, कई बार हम पेपर के अकॉर्डिंग भी हम उसको सेट कर लेते हैं, पेपर वेस्ट नहीं हो रहा है। तो चलो ऐसा कोई बात नहीं है, देखो कितना अच्छा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये होने से क्या है, आपको वो उसके अंदर कम ज्यादा करके इसको देखो लैंडस्केप कर लिया था, वाइड एंगल कर लिया है ना। हाँ तो इस तरह से, तो अगर पोर्ट्रेट में रखना है ऐसे, फिर यह हाथों के आगे पीछे करके आपको ऐसे करके आपको देख के उसको फ्रेम बनाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम बहुत बार काम करते तो हम यहाँ पे एक वो लाइन डाल देते है ना, क्या बोलो उसको, मतलब मन में एक लाइन डाल देते फ्रेम है ना। तो फ्रेम डाल दिया उसके अंदर, मेरा पेपर जैसा है वैसा ही पेपर हो गया, तो उसके अंदर वो डाला तो ऐसे ऐसे चीजें आ रहा है, ठीक है। तो ये एक आप थंबनेल प्लान कर सकते कहाँ पे कौन सा चीज कितना होगा। अच्छा, ड्राइंग करने का हर एक आर्टिस्ट का डिफरेंट तरीका होता है ड्राइंग करने का। मैं इस तरह से करता हूँ पेपर के अंदर, जिस तरह से आप रैंडम जो लाइन डांसिंग लाइन देख रहे हो ऐसे ही करता हूँ मैं। प्लेस करता हूँ सबसे पहले कि देखो यहाँ पे हल्के हल्के इस तरह से आपको वाटर कलर करना, तो इस तरह से लीड पेन यूज करना है जिससे कि पतला लाइन आए। और कुछ मैं इस तरह से हल्के हल्के प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे रख के यहाँ पे फिर नीचे वाला स्पेस मिल जाए, हल्के ऐसे ऐसे हल्का हल्का प्लानिंग कर लेता हूँ कि मोटा मोटा कहाँ पे कैसे रखूँगा। तो ये आपको जो स्टाइल अच्छा लगता है, जिनसे भी फॉलो करना चाहते हो, उसी हिसाब से आप ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे पकड़ने से थोड़ा सा यहाँ से स्विंग करता है, जिससे कि इन फ्यूचर हमें बड़े से छोटे काम करने में बड़ा आसान हो जाता है। बस शुरू में ही आएगा नहीं, बट अच्छा एक पकड़ने की तरीका है जो, और ओवरऑल को पहले देखना है। नहीं तो एक तरफ हमने टेम्पल बनाना शुरू किया, वो बाहर चला जाता है, होता है ना। तो अभी मैंने किया क्या, मेरा टॉप यहाँ पे है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या करूँ, उसको भाग लगा रहा हूँ, तो उसके वो सेंटर होगा तो सेंटर के नीचे ये मैं मुझे यहाँ तक बनाना है, तो उसके बीच में एक सेंटर ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। वो उसके बीच में सेंटर यहाँ पे, तो सेंटर में क्या चीज़ है वो यहाँ पे आना चाहिए, बस समझ में आ रहा है। यहाँ पे वो आप ग्रिड लाइन भी बना सकते हो मन में, उसको इतना परफेक्ट यहाँ पे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो सामने को इतना बड़ा है, सब सामने आया हुआ है जी, परस्पेक्टिव। हाँ जी बोलिए। आप हाँ यहाँ पे एक बात आता है, ये आपको आपको क्या करना है, ऐसे एक आंख बंद करो, ये पेंसिल रखो उसके ऊपर, देखो मेरा पेंसिल का एंगल देखो। हाँ अभी वो आपके पेपर के ऊपर आना चाहिए, सिंपल तरीका, ठीक है। आप राइट में देखो, एक बार रख के देख लो, वो झुका हुआ है, ये जो झुका हुआ है था, अभी हमको क्या लगता है सीधा है ना, हमारे माइंड में क्या पता वो सीधा है, बट वो झुका हुआ है। देखो राइट में ऐसे एक आंख बंद करके वो झुका हुआ राइट में, ये देखो ये झुका हुआ है। तो सबसे पहले कितना बड़ा बनाना है, कौन सा पार्ट को वो देखना है, ठीक है। इसमें आपको कोई मतलब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस ये एंगल्स आपने देखना है और वहाँ पे रखना, वो एंगल जितना है उतना ही रखना, कम ज्यादा हुआ तो गड़बड़ होता है, पर धीरे धीरे हमारे आंखें जो है ट्रेंड होता है, तो उसमें वो थंबनेल भी थंबनेल बनाए नहीं, वही है जो मैं बात समझाया आपको कि उसको प्लानिंग है आपके कि क्या है, कहाँ पे कहाँ तक रखना चाहते हैं, हर चीज आ जाता है उसके अंदर। तो बहुत कुछ ड्राइंग है, बहुत कुछ ड्राइंग को भी हमें थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि कितना सिंपल कर सके। सामने वाला हाँ निकल भी सकते, छोटा भी पार्ट कर सकते। मैं अपने हिसाब से मतलब थोड़ा सा रख के देख रहा हूँ क्या होता है। हाँ यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को फोकल पॉइंट बना रहे हो, फोकल एरिया बना रहे हो, तो क्या वो लाइट वाला एरिया है ना, वो फोकल पॉइंट क्या है, क्या आपके मन को बार बार जिसको देखने की इच्छा हो रहा है,
अमूमन वही है कि आपको बार बार जो अट्रैक्शन कर रहा है, बार बार जिसको आप देख रहे हो, साइड में देखा, फिर इधर देखा, किधर जा रहा नजर, उसको आप फोकल पॉइंट मान सकते। वो जरूरी नहीं जो मैं देख रहा हूँ, है ना, वो आप देख रहे हो, है ना। वो अमिताभ बच्चन देख रहा तो कोई शाहरुख खान भी देखता है ना, तो ऐसे तो ऐसा होता है। तो इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसके टॉप है। अभी जब मैं उसको इंटरेस्टिंग पार्ट को रखूंगा तो उसके साइड रोल करने वाले को भी चाहिए ना, हीरो तो मिल गया, साइड रोल के लिए ये सब देना पड़ेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। हाँ, हीरोइन तो है ही है, उसके बाद भी है, उसके बाद सिकंदर सर बताएंगे। हीरोइन के नाम पे इनके चेहरे में चमक देखो। हाँ, और किसी ने तो कोई तो घूम ही गया ऐसा, मैं मेरा तो चमक है, कोई घूम ही गया अपना, देखो कंसंट्रेशन टूट रहा है, देखो और भी टेंशन में चला गया, देखो रिकॉर्ड भी हो रहा है। चलो फिर से एक बार हौसला दे दिया सिकंदर सर, नहीं देखो अगर पूरा पूरा करने बैठ गया ना तो पूरा, मतलब पूरा करना है तो ये अगर पूरा बनाना तो इतना बड़ा बनाओ। अच्छा, अगर पूरा बनाना है तो उसको आंखों के पलकों को बुझा बुझा के जो मोटा मोटा दिखता है वही लगा दे, कलर बहुत सिंपल हो जाता है। बट वो भी आप देख सकते हैं साथ में कि सिंपल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो गुंबद में इतने सारे डिटेल्स हैं चित्र के। हाँ, वही है, उसी को बस फॉर्म क्रिएट करना है और थोड़ा सा दिखाना है। बहुत कुछ यहाँ पे और वो डिटेल्स के चलते बहुत कुछ। जो क्या डिजाइन बना, कॉर्नर में कुछ बना के रखा, इधर उधर बना के रखा, पागल हो जाएंगे। तो अभी इसका जो डिजाइन है, डिजाइन को इम्प्रेशन देना है। कल वाला ओरिजिनल था। सी एवरी वन इज गॉट अ डिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। आई थॉट डोलो मेरे पास में ये रहता है, मेरे को भी नहीं पता। आपको बताओ सर, खाया ना कुछ? ठीक है, ब्रेकफास्ट खाया तो सर, नहीं तो कोई भी एनर्जी खाली पेट में नहीं लेना चाहिए। डोलो कैन बी टेकन, पैरासिटामोल ना, इट कैन बी टेकन, डॉक्टर है ना बोलेगी। डॉक्टर बोलेगा, नहीं डॉक्टर साहिबा है ना, साहिबा। अच्छा, आज सच डॉक्टर
doctor. Yeah, I am talking about this doctor. He can also say, but human doctor. Even doctor. Roshan, Vidya doctors. But why so many doctors? Okay. Vidya's medicine. Okay. General medicine. थोड़ा थोड़ा तो डिटेल बनाना पड़ेगा, उन्होंने उतना बना के चला गया, परेशानी डाल के हम कौन बोल रही डिसाइडेड टू गेट परेशान बनाया अच्छा 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 आपेल मुझे मार कितना कर रही है यार कैसे करते थे वही ये तो कुछ भी नहीं सर खजुराहो में क्या इसको तो सिंपलीफाई करना भी ऐसा लगता है टाइम कर रहे हैं मंदिर नहीं बट वो अंदर लिखा भी हुआ है कि बाहर खींचते रहे ना मंदिर थोड़ी खींचते रहे ना मंदिर थोड़ी खींचते रहे ना जाके इधर की खींचनी है अगर बोला तो फिर आ जाओ है ना कितना अच्छा हो गया ड्राइंग बैठ गई हूँ हाँ मैं इधर बैठ गई मैंने इसको बोला था बैठ जा सीधे जा क्योंकि इंडिया के सर की पैलेट में फेस के टोनल वैल्यू फेस के बाद सारे वैल्यूज बदल जाएंगे तुम्हारा तो वन है सो ये आप अपनी मर्जी से ऐड किया ना लेफ्ट हाँ ये टैंकी बनाना जरूरी है टोनल वैल्यू के लिए ना टैंकी किसको बोल रहे हैं वो जो पीछे है ना व्हाइट वाला लेफ्ट साइड पे वो सीमेंट वाला अरे तुमको सिंटेक्स टाइप इधर से नहीं दिख रहा है उधर दिख रहा है इट्स लाइक अ सिंटेक्स टैंकी क्यों डाल रहे वैल्यू के लिए वो या बंगाल से आया था जिसको किसी को टैंकी बोल रहे हो नहीं यार ये पीछे जो बैठे हैं उनमें से किसी को बोल रहे हो अलका जी वो पूछ रहे थे टंकी किसको बोल रहा है अरे बाप रे सीमा पूछ रही मैंने पूछा मैंने टंकी कौन सी है यहाँ पे मेरे को लगा झंडे को टंकी बोल रहे सिकंदर सर मुझे दे देना है ड्राइंग करके Good sir, Shardai, you are doing it. Huh?
एक सीसी से भी एक स्टोन मांग लो। ठीक है तो सिंपल करके मैं थोड़ा ड्राइंग किया। तो एक चीज पूछना है जी सर, जो मेन सब्जेक्ट आपने ले लिया उसके बाद लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको फोरग्राउंड वगैरह भी ऐड करना है, मतलब जिस मेन सब्जेक्ट तो ठीक है लेकिन उसके बाद नीचे फ्लोरिंग जितना जरूरत है उतना नहीं, मैं क्रॉस लाइन चाहिए बहुत ज्यादा फोरग्राउंड चाहिए वो साथी मेरा बहुत छोटा हो जाएगा मजा नहीं आएगा। फोरग्राउंड लेना है कितना लेना है मतलब फोरग्राउंड बाकी पार्ट का थोड़ी देर में जिस मेन सब्जेक्ट जब मुड़ के बैठूं तो वो मजा नहीं आता अगर बिल्कुल फोरग्राउंड है ही नहीं तो। हाँ वो तो समझ गया, अभी करना जरूरी है कि फोरग्राउंड मैं वो बहुत पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं अभी फोरग्राउंड अगर करूंगा तो ये छोटा होगा ना फिर इतना सा होगा तो जिसको बनाने के लिए वो इतना क्यों बना। लेकिन ये जो थोड़ा सा पात है वो अगर आप ऐड करेंगे तो उससे ज्यादा ये आता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ उसको अगर ऐड करूंगा ये छोटा हो जाएगा ना। अरे बाप रे, ही इज प्रेफरिंग टू डू इट दिस वे, वो कंपोज ऐसे किया ना वो डालने से वो छोटा करना पड़ेगा ये सब, या पैक बनाओ ये कट जाएगा ना फिर वो करना है क्या, नहीं तो उसको छोटा करना पड़ेगा। तो मैं जो मेन सब्जेक्ट जिसको चाह रहा हूँ उसको छोटा क्यों करूँ, मैं वो बोल रहा हूँ। ओके तो हमने क्या देखा, आप थोड़ा रिवाइज समरी कर अभी आ गया या और एक हमने क्या देखा कलर। अच्छा सो सब्जेक्ट आ गया सर, सब्जेक्ट भी आ गया आ गई लेकिन चलवे चलवे अच्छा चलो अभी एक अगर हम सिंगल कलर से बना रहे हैं जैसे कि बंट अंबर है ना, तो अगर कुछ लाइट्स है कितना लाइट है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है आपने पहले पेपर को वेट किया था नहीं किया ना आपके आंखों के सामने ही तो हूँ, मैंने नहीं देखा मैं उसी टाइम मोनो कहीं और देखा एक मिनट के लिए काम छोड़ बच्चे मैं गलती से दूसरा कलर ना उठा लूं, मैं ये भी सोच रहा हूँ सर मुझे भी एक्चुअली यही लग रहा था इसमें थोड़ा सा येलो मिला लेते हैं और डार्क शेड को बर्न कर देते हैं और तीन नंबर ग्रेट मतलब टोन सोचा था तो अभी क्या है इसे हीरो बना दिया, मतलब जो मेरे मेन सब्जेक्ट है जो जिसको फोकल पॉइंट में बोल रहा था ना उसको मैंने हीरो बना दिया। तो मैंने क्या किया उस पे वो हाईलाइट में उस पे छोड़ दिया, देख रहे हो ना अभी हर जगह अगर हाईलाइट या हो पेपर हाइट दिखेगा मजा नहीं आएगा, तो इसीलिए हाँ उसको बैलेंस भी करना होता है। ये भी लाइन आपको सुनने को मिलता है कि बैलेंस करना है ना। जो आपने किया ये मिडल टोन, हाँ लाइट टोन है क्योंकि मिड टोन नहीं है, लाइट एक मतलब फास्ट वॉश के बाद सेकंड वाला लेयर लेके चल रहा हूँ मैं नंबर टू को, क्योंकि मुझे नंबर वन के लिए पेपर वाइट छोड़ रहा हूँ कहीं कहीं पे छोटे छोटे, आप देख पा रहे जो लाइट सुबह हमने स्टेज में देखा था मतलब मिडल और लाइट के बीच का कहीं कहीं, हाँ यस यस छोटे छोटे जो लाइट्स और भी रखने से क्या है वो थोड़ा सा कंपोजिशन में ऐसा नहीं कि ऊपर जैसे ऊपर क्या है कि ये जो जैसे लाइट है ना वो नीचे भी कहीं पे एक दो अगर यहाँ पे राइट लेफ्ट में दे देते उसको बैलेंस भी करता है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वहाँ जितना लाइट है उतना ही वैल्यू में वो ताकत है कि किसी भी चीज को एक दिखा देता है नहीं। साइन कर दो अच्छा ही लग रहा है, देख नहीं रहा क्या बात, साइन करो क्या सर, हीरोइन ढूंढने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसमें क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा वेट एंड नॉट ऐड कर देता हूँ मुझे यहाँ पे डार्क थोड़ा सा मतलब कलर वैल्यू ऐड कर रहा हूँ जहाँ पे अच्छा, वो ये वाइट एंड व्हाइट क्यों कर रहा हूँ जहाँ पे अंधेरा होता है वहाँ पे
चार पेजेस ना हो, सॉफ्ट हो, इसके वजह से। और ये जो है गीले गीले पे होना चाहिए। इसी ब्राउन में अगर थोड़ा सा इसको ब्लू या ब्लैक मिला के डार्क कर लें, नहीं नहीं अभी तो इसी में करेंगे ताकि आपको एक कलर के साथ भी बन सकता है, वो देखना है। तो कैसे सिंपल होता है वो देख रहे हो। स्पॉन्ज होना जरूरी है। क्या जरूरी है? स्पॉन्ज होना, एक्स्ट्रा वाटर। You won't believe what I heard. Huh? क्या हुआ? गुड लक प्रसाद मिला। अरे देयर इज अ ब्लेसिंग। यू थिंक कौन सा पार्ट है? गुड लक। ये नहीं नहीं ये नहीं ऊपर आज नीचे नीचे बीच में ये बीच में आज बच कल आया बीच नीचे नीचे राइट ये अरे पिलर्स है ना, वो पिलर है ना। तो पहले तो मैं यही दिखाया था, तो मुझे दिख नहीं रहा ना पिलर। ये वाला पिलर पिलर पहले वो वाले पिलर अभी गया है पहले। सब ब्रांड इन दिल्ली कोई खाए खाए। आई शेयर इट ऑन द ग्रुप। हियर इट शेयर इट आई विल सो सिस्टर अपना क्या मेमोरी में रखा है ना सर। इसलिए जब तक स्प्रिंकल नहीं करो तब तक नहीं, ऐसा नहीं है वो थोड़ा सा पेपर को गीला किया। आसमान हम क्या बोल रहे थे, इससे डार्क था क्या? थ्री पे था। हाँ अभी क्या हुआ? हाँ अभी क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको व्हाइट छोड़ दिया तो हमें आसमान में जरूरत नहीं पड़ा ना। और देखो डार्क कलर एकदम से लेके नहीं आना, डार्क कलर एकदम से लेके नहीं आना, आपको मौका रखना है बाद में भी यूज करने के लिए। और ये जो कुछ कुछ छोड़ रहा हूँ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, डार्क कर दे रहे हैं तो अदरवाइज ये उससे डिस्ट्रैक्ट करेगा।
आंखों के बल को ऐसे करके उसको बुरा लगा सर ऐसा किया आपने तो इसलिए बोला सीधे नहीं अच्छा थैंक यू ऐसे ही आता है मेरा सकल उसमें रील में भी ऐसे ही आता है इसलिए व्यूज नहीं होता पंकज बोला रात को मुझे ऐसे है ना वो थोड़ा चेहरे का भी जरूरत है भी टोनल बननी चाहिए उसको भी तैयार हो जाए तो देखो ओवरऑल क्या है ये अंदर वाला पार्ट डार्क है ना फिर यहाँ पे कुछ डार्क हो रहा है मतलब वही लाइफ में खड़े तो एक चीज नोटिस करेंगे मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ है ना मोटे मोटे कलर शेप्स में ही जाना है डिटेल्स में तुरंत नहीं जाना है आपने कभी नोटिस किया कि कलर मूवीज से ज्यादा हमें ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज देखने में ज्यादा मजा आता है स्पेशली गुरुदत्त की जो फिल्में सारी फिल्में नहीं क्योंकि उनकी फिल्मों में सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी हुआ है मतलब लाइट टोन मिडल टोन डार्क टोन का जो बैलेंस था वो सत्यजीत रे उनका वो स्टडी बहुत अच्छा था तो कलरफुल से ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट क्यों अच्छा लगता है क्यों मोनोक्रोमेटिक अच्छा लगता है कभी सोचो इसके जल्दी समझ में आता है ड्रामेटिक होता है वो पिक्चर का मैसेज आना चाहिए बस सिंपल इसमें आ जाता है ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होता यहाँ पे रेड कलर है यहाँ इजी हो जाता है दैट्स व्हाई बी द स्टोरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द हाई कॉन्ट्रास्ट स्टोरी इज मोर इंपॉर्टेंट नॉट द स्क्रीन नहीं अदरवाइज आल्सो द ड्रामा इट क्रिएट्स द ब्लैक एंड व्हाइट द कॉन्ट्रास्ट जो होते हैं सो दैट नॉस्टैल्जिक अटेंशन फ्रॉम द इमोशंस ड्रामा जो है पुराने जमाने में कहां कलर टीवी हुआ था फिर भी हम हमने आपने कभी सोचा हम कितने इन्वॉल्व हो जाते थे वो रामायण महाभारत ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर जो हमें वो स्पेशल इफेक्ट भी हमें बहुत अच्छे लगते थे लेकिन अभी कैसे हमने हमारी
आंखों को ट्रेन कर लिया है अभी कलर्स के लिए. एक्सेप्टेशन भी बहुत बढ़ गई. ये मोनोक्रोम में जैसे एक लाल बिंदी कलर मिलते ना मार्केट में सर, वो एक अलग है. पहले फोटोग्राफ भी मतलब कैमराज भी ऐसे हुआ करते थे, उसमें इतनी शार्पनेस नहीं हुआ करती. हाँ. अभी तो 50 मेगापिक्सल 100 मेगापिक्सल. पर सर लोग अभी भी वापस से गोइंग बैक टू फिल्म्स ओनली. हां जो जिनके पास आर्टिस्टिक चीजें हैं वो लोग दे यूजुअली गो बैक टू यूजिंग फिल्म्स एंड कैमराज रादर देन जस्ट क्लिकिंग ऑन वीआरडीएस. सिंपलिसिटी रखना बहुत लाइक फूजी कैमराज हैव अ टेक्सचर इन्वॉल्वड जिससे जिसमें आपको फिल्म का टेक्सचर मिलता है. That's why they've become so popular again, the digital ones I'm talking about. And ये चीज पहले 200 में होती थी, अभी 2000 में हो गई है. इसी चीज के and very rare now to find reels. You have to find vendors. The best color scheme is a monochromatic color. आप कितने भी फ्रेश कलर यूज कर लो, जो मोनोक्रोमेटिक कलर्स में आपको सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सपोर्ट करता है ना, वो बाकी के कलर्स नहीं करते. और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इससे बहुत जल्दी इम्प्रूव होता है. इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर विजन, मोनोक्रोमेटिक ही करो, आप बहुत फास्ट समझोगे. और सुबह मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, हर कलर में आप करके देखो मोनोक्रोमेटिक स्टडी. पहले एक ही कलर से करो, फिर धीरे धीरे दो कलर से, दो कलर मोर देन इनफ. थर्ड कलर ऐड करोगे तो और ऐड हो जाता है. बट दैट इज द वे, इफ यू वांट टू स्टडी कलर्स डू वन बाय वन. हर एक कलर को पहले इंडिपेंडेंटली स्टडी करो और फिर येलो के साथ रेड मिक्स किया, येलो के साथ ब्लू मिक्स किया. कंटिन्यूस घंटियां बज रही है, बनारस जैसा लग रहा है. हाँ, बनारस जैसा लग रहा है, घंटियां बज रही है. फैंसी स्प्रे बॉटल सैनिटाइजर का बॉल है. सुबह जिसको सिंप्लिसिटी बहुत मुश्किल चीज है लाइफ में भी और पेंटिंग में भी. अभी हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स करेंगे उसमें. क्या करेंगे सर? थोड़ा थोड़ा डिटेल्स देंगे, बट डिटेल्स देने के लिए आपके मतलब गीला होना चाहिए, मतलब गीले में थोड़ा डिटेल्स होने से ज़्यादा डिटेल्स नहीं होगा. शार्प नहीं गीला होना चाहिए. ये सब बन टम्बर इधर ही आ गया. अच्छा, एक है कॉन्ट्रास्ट है ना, जितना से लाइट कॉन्ट्रास्ट है वो डार्क कॉन्ट्रास्ट. ये जो है हाईएस्ट डार्क है,
आपके स्टाफ। अच्छा चिंतू सर, कभी कभी ना आप बोलते थे ना अंडरटोन एक करते हैं, तो कभी जरूरी है वो अंडरटोन करना, कभी नहीं जरूरी है वाइट एकदम पूरा छोड़ना? वो सब डिपेंड करता है कंपोजिशन के ऊपर। अच्छा। कि वो कितना लाइट रखना है, कितना डार्क। मतलब डैजलिंग लाइट होगा तभी वो वाइट एकदम छोड़ने का। हाँ, उसी को समझना है कि कितना लाइट है वो। हाँ, तो क्या इंटेंसिटी का ऊपर बोल रहे हैं। हाँ, फोकस भी है जब धूप होती है। हाँ, बहुत धूप मेनली वाइट छोड़ा जाता है। अगर धूप नहीं है तो फिर वाइट नहीं छोड़ना। पर ये डिपेंड होता है ना हमारे वालों से कि क्या किसको हाइलाइट करना है। नहीं, कभी कभी इसको ही हाइलाइट करके डार्क भी कर सकते हैं। नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आधा बंद करके डैजलिंग लाइट या मतलब वो जो एकदम सनलाइट इतना जगह देखते हैं कभी बीच में से ज़्यादा व्हाइट नहीं चाहिए। जैसे सर की भेजो अपनी भी भेज।
एक्रेलिक वैल्यू तो वही है डार्क टू लाइट ही जाता है उसमें एक्रेलिक में जो है आप दोनों तरफ जाते ऑयल में ज्यादातर डार्क टू लाइट जाते हैं बट एक्रेलिक में दोनों तरफ जा सकते हैं में भी लाइट है। मैं दोनों तरफ जा सकते हैं No, and you can put white later. You can be there, but you know, because we are doing water, we have a habit of This is only amber or sienna? Burnt amber. There is no sienna at all. Only burnt amber. Start with thick colors. Don't go into thin colors at all. Before. Just start with thick and dark. That was my अच्छा आप लोग जब गप करते हो ना मेरे साथ करो सर आप भी कमेंट्री देते जाओ ना प्लीज थोड़ा सा ना आप थोड़ा बात कीजिए लेकिन काम के बारे में सर आर्ट रिलेटेड ही बात कर रहे थे काम को आर्ट के बारे में बात कर रहे सर देन हाउ डू यू डिसाइड कि अभी जो नेक्स्ट कलर हम कैसे डालना है वंस इट ड्राइज एंड इट्स वेट अभी जैसे जो भी देखो एक तो हम गीले के ऊपर डालते हैं अगर गीला नहीं है तो उसको मर्ज भी कर सकते हैं ना वाटर के जरिए जैसे ही कलर लगाया आपको कहीं पर मर्ज करना तो इसका मर्ज कर सकते हैं दोनों तरफ भी कर सकते हैं बादल आगे तो गीला तो गीला किया था हर वक्त उतना गीला नहीं रहता तो इसलिए हमें क्या करना है उसको फिर कलर लगा के भी करते हैं और कहीं अंदर ड्राई ब्रशिंग जैसे एंड की तरफ ड्राई ब्रशिंग से भी हम और दिखाते हैं थोड़ा सा टेक्सचर आएगा इससे फॉर्म क्रिएट कर दिया थैंक यू छोटा ले मार्क्स मिल जाएंगे वैसे ही मिले हुए पहले खिलाया था उसके मिले हुए खिला रही है दूसरा खिलाएंगे उसके दूसरे मिले डिसमिस नहीं हुआ क्या नहीं तो डिसमिस इसे करने के बाद इसको मिला दिया जो ड्राई में था
इसको मिला दिया बस, उसके आउटलाइन नहीं होना चाहिए, अंदर में कोई भी चीज आउटलाइन नहीं दिखता। डिटेल्स अभी कैसे कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा कलरफुल सब्जेक्ट है, मोनोक्रोम करना ज्यादा कौन सा पेपर है वैसे ही सफाई वाली चेयर चाहिए। सिल्वर
सिल्वर वेलवेट ब्लैक करके वेलवेट नहीं सर ब्रांड ही ब्लैक कलर की ब्रशेस है ना सर व्हाइट अमेज़न पे है इसको सर अमेज़न नहीं है वो आर्टिकल में मिलेगा आर्टिकल का लिंक भी दे देंगे आपको कूपन कोड भी दे देंगे आपको सर तो इसको ये ब्लैक ड्रेस लिखने की मैं साइज साइज जो है इस पेपर के लिए साइज जो है आपको ये साइज में 20 नंबर है 20 नंबर लेना है इससे ज़्यादा आपके ये हो जाएगा बाद ज़्यादा मोटा हो जाएगा ये ब्रशेस कहाँ ऑनलाइन मिल रही है कौन सा ये वाला जो ब्लैक ब्रशेस चाइनीज ब्रशेस है ना हाँ ये इधर नहीं मिलेगा इट्स इट्स ही कॉस्ट वो लोग तो भेजते नहीं है लेकिन चाइनीज जो वेबसाइट है आपको चाइना जाना पड़ेगा हाँ चाइना जाके अच्छा वो सिल्वर ब्रशेस चाइना जाके लेंगे You guys know all these things. इतने सारे लोग हैं ना किसी को कुछ पता ही नहीं है ना एक दफा दोबारा वो बता जैसे अपने ऐसे करके लिया ना तीन का एक दो कलर्स का बताना कि हम दैट वाज वेरी नाइस व्हेन आई लाइक इट He's also interested to see this boy. They are hero worship, no? The small boys, they like to see the young grown-up boys. Hello? Sir, the paper console is Meghna. Feeling cold, na? Yeah. Acha bore it. Girlfriend. शेड में ठंड लगती है धूप में ठीक है वैसे भी तो लाइट भी निकलेगा ना वो यहाँ पर मंदिर है ना ये डेमो हो रहा है कमेंट्री कर दो थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी ना बहुत ज्यादा दे देते हैं पानी सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज एक्चुअली पूरा खेल पानी में वो ही प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस की ना समझ में आएगा जैसे आपने किया नीचे का आपने ठीक रखा अंडर लेग्स ठीक रहा Thank you.
You need guts, huh, to put pani like that. No? Mm? You need guts to put pani like that on your painting. Yeah. Which has turned out well. Even then, like, वो जीत कब हम देख डर तो निकाल दिया लेकिन जीत नहीं दिखा अभी ये क्योंकि ओवरऑल जो फॉर्म है जो लास्ट खेल जाए ये मैक्सिमम सर सर आर्मी में थे ना डरना नहीं सीखा है या डर तो हमने सीखा है क्या नहीं नहीं सर आर्मी में थे ना अगर उन्होंने डरना नहीं सीखा नहीं हम डर डर छोड़ दिया लेकिन अब जीत नहीं देखा अभी तक यही प्रॉब्लम है क्या आप यहाँ के बॉर्डर पे गए थे क्या जब आर्मी में थे मैंने गई इधर का किलोमीटर अंदर भी चला गया इधर गया मैं क्या हुआ फिर वापस आ गया कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ फायदा जाने का सर नहीं वो हमी को मालूम चल गया कि अंदर चला गया करके इसलिए वापस आ गया उनको मालूम चलता तो शुरू हो जाता मैं फील्ड में पार्टी हेलो हेलो काफी दूर है वो बॉर्डर यहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर लास्ट टाइम आई थी तो गई थी बहुत अच्छा लगता है लेकिन बागा ये वोगा नहीं है बागा ये माता, है, बागा एक माता की मंदिर है वो हाँ नहीं यहाँ नहीं है शी सिंह वोगा तो अमृतसर से आई एम गोइंग टू दैट करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इज देयर नो अमृतसर मैं मार्च में जा रही हूँ वी हैव टू टेक पाकिस्तान का वीजा लकी वहाँ पे बोल के रखा है क्या सर किला पहले से मुझे पहचान था गोल्डन लकी सर आप बोल के आ जाओ ना पहले पासवर्ड लकी सर अजी अब फेसबुक पे एक वो बहुत आ रहा है ना कोई रेस्टोरेंट में किसी लेडी को रोका तो फिर उसने बोला अभी रूल ना क्या बोला गवर्नमेंट रूल आया है कि लेडीज को आप कोई भी रेस्टोरेंट में रोक नहीं सकते वॉशरूम यूज करने के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं हाँ फाइव स्टार तो वैसे भी नहीं रोकता है बाकी के दूसरे रेस्टोरेंट फाइव स्टार नहीं रोकता है कभी वॉशरूम टॉप शुड बी डिलीटेड ये जो ये शेड कौन सा वाला है बंटंबर है कि बंटंबर है ना अभी इसको सपोज टू बी ओपेक हम इसको चार लेयर लगाएंगे तो ये ओपेक नहीं होगा हाँ थोड़ा सा ऊपर जाना ही है मतलब वो वैल्यूज के ऊपर चल रहे हैं कितना वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं क्या होता है कि जब तक हम डार्क नहीं करेंगे तब तक हम लाइट को नहीं दिखाएंगे और उसमें ज्यादा हम क्या करते थे कि कलर ज्यादा जल्दी नहीं करते थे Thank you.
लेआउट में लेयर में काउंट है ये लेयर है ना लेयर है ना ये लेयर ऐड कर दो दरवाजा भी तो आ स्कल्पचर और ये सबका स्पेशल सब्जेक्ट का स्पेशल इंटरेस्ट है हेलो
It's not going, that is the problem. This is a problem, gastrointestinal. That is why doctor is doing aggressive treatment for exercise, ice, and medicine. I was having some gastrointestinal problem for a long time. तो वो जब तक पूरा सब्साइड नहीं करेगा एग्रेसिव ट्रीटमेंट ये का नहीं कर सकते नहीं आई मीन मेडिसिन कॉन्ट्रेरी आपको आई बी डी बोलते वो तो नहीं है आई बी डी करके एक प्रॉब्लम है इरिटेबल बाउल्स बाउल सिंड्रोम वो है क्या नहीं है क्या साउंड एंड स्टबर्न इन्फेक्शन मेरा इंटेस्टिनल म्यूकोसा को थोड़ा खराब किया था सर रिजल्ट कुछ एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है तो उसके बाद एक्चुअली पहले तो क्विनोलोन डेरिवेटिव्स से काम नहीं हो रहा था इनिशियली एक मंथ के बाद मैंने समझी समथिंग इज रॉन्ग तो देन एक्चुअली वो एग्जीबिशन ट्रैवल टूर ये बैक टू बैक ड्रामा तो आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम दार्जिलिंग आई अप्रोच मी दिस इज हाई टाइम आई शुड गो वॉमिटिंग होता था वॉमिटिंग नहीं था वॉमिटिंग नहीं था बिल्कुल नहीं डायबिटीज नहीं है नहीं डायबिटीज तो नहीं डायबिटिक नहीं हूँ पूरा टेस्ट किया सोनोग्राफी में कल ही एक ही गलती गॉल ब्लैडर निकला बट दैट इज फ्री फ्लोटिंग स्टोन ऑलरेडी यहाँ पे था उसके तो बस उसको ऐड करने से क्या इसके साथ हो गया हुआ बाद में बात करेंगे हाँ करेंगे ना मैडम सर नेक्स्ट प्रोग्राम इधर का करें ना कुछ दार्जिलिंग वगैरह सर पेंटिंग हॉलीडे अभी हो जाएगा कोलकाता दार्जिलिंग बंगाल से है कि उड़ीसा जी आप बंगाल से उड़ीसा बंगाल अभी आप उड़ीसा भी गया हाँ मैं उड़ीसा भी गया उड़ीसा में गया तो टेंपल से था सन टेंपल पुरी में ही थे उड़ीसा में भुवनेश्वर में उड़ीसा की खास बात है टेम्पल्स बहुत है और बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल
एक बहुत सुंदर जगह है जागेश्वर, उड़ीसा में, वेरी ब्यूटीफुल, उत्तराखंड में है, नैनीताल के पास ही है जागेश्वर। मंदिर है और एकदम ब्यूटीफुल जंगल के अंदर अंदर ना ये पत्थर के मंदिर पुराने 2000 साल मैं हिमाचल का वो मंदिर में गई हूँ, कांगड़ा का मंदिर जो वन स्टोन मंदिर टेम्पल है, टूट गया है। बैजनाथ के आगे है, बैजनाथ वो पूजा नहीं होती, वो पूरा टूट गया है। ये किसको किसको देना था? पानी पीना है मेरे पास, है पानी एसेंस निकालो और सिंप्लीफाई करो ताकि आप डिटेल्स में पागल नहीं हो। किसके लिए सर? डिटेल्स में पागल हो गए किसके लिए? साधु साधु कॉम्पिटिशन थी केरला वाले। हाँ 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 साधु अलियूर का, साधु अलियूर के द्वारा काम बना रखा है ना। कलर भी सर पे दबा रहे हैं ना ये सब है।
बड़ा पॉइंट है कि रुकना कहाँ है। जब ऐसा होता है तो एक फोटोग्राफी कर लेना चाहिए, मतलब फोटोग्राफी करके भी देखना कि हाँ उसके आगे करने से अच्छा हो रहा है कि नहीं। ये टोटली जो है काम जो एक्सपेरिमेंट होता है, काम एक्सपेरिमेंट करके उसे समझते हैं कि कहाँ पे रुकना है क्या। वो जब आया था वो वाला बम लाइट कर रहा था, बट वो धीरे धीरे हट गया, अभी ये डार्क आ गया। डार्क करते करते क्या हो रहा है, ये अभी इसको कलर करना पड़ रहा है। पहले स्टेज में अगर वैसे लाइट रहता तो ये व्हाइट छोड़ के ये काम। स्काई लाइट हो गया बोल के अब हाई लाइट को ये कर दिया ना। मुझे राम लला के झंडे याद आ रहे हैं, अच्छा दिखता है। अच्छा तो ये बात है। फिगर बन रही है सर अभी। सर जोधपुर की आर्किटेक्चर सेम है जो आप बना रहे हैं। ये फिगर के साइज से क्या होता है कि अब टेंपल के हाइट ना सीमा ये जोधपुर का सेम है ना मंडोर का। ये ऐसे टेम्पल बूंदी में भी ये पीले स्टोन की नहीं है लेकिन इस तरीके का आर्किटेक्चर की स्टोन की बात बताएंगे आप कलर क्यों लगा रहे हैं। मजा आ गया।
अच्छा किसी को लंच वगैरह करना होगा तो यहाँ पे एक अंगारा होटल है, वहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, लेक का व्यू है वहाँ से, अंगारा लेक व्यू, और इस साइड सनसेट की तरफ करता है इसको, सनसेट पॉइंट रेस्टोरेंट भी है छोटा, अगर ब्रेक करना है तो यहाँ पे किम कैफे भी है। अच्छा इस कॉर्नर में ऊपर डेजर्ट होटल के ऊपर भी छोटा सा रेस्टोरेंट है, व्यू बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे इंडिया में तो आई लाइक तमिल। आई ये पूरा बैठ सकते हैं, थोड़ा थोड़े के लिए नहीं गॉश नहीं, वाटर कलर ही है, वाटर कलर ही गॉश है, व्हाइट कलर वाटर कलर ही गॉश है। ये वाला चाइनीज वाइट वाटर कलर का ही है, वाटर कलर का ही है ना, वो ट्यूब से डायरेक्टली दे रहे, लॉट ऑफ पीपल गो आउट, हां लॉट ऑफ पीपल यूज इट, हां थोड़ा सा ये छोटी चाइनीज बना देना, फिगर बहुत जरूरी होता है ना हाईलाइट, हां फिगर में मैंने बोला वो ठीक है छोटा है तो कितना नहीं लड़की वो आगे चलो आगे चलो ऐसा बोला, नीचे उतरो, हाँ नीचे उतरो, जबरदस्त एग्जाम जान आ जाता है। ऑरेंज में थोड़ा व्हाइट है,
इधर का अभी काम होने का हमारा बाकी चलो फिर इसे एंड करते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या है कि वैल्यू को ध्यान रखते हुए और सिंपल करने की कोशिश किया, ठीक है। हम बहुत उलझन में पड़ जाते हैं हर एक डिज़ाइन पे। हमने देखा कि डिज़ाइन किसी को नहीं किया, कोई एक डिज़ाइन नहीं है। अगर आप डिज़ाइन करना तो उस पार्ट को ही करना पड़ेगा, पूरा पेपर में शायद इतना डिज़ाइन उसको पढ़ाएंगे अगर डिज़ाइन करना है तो। मतलब सिंपल करके उसको डिज़ाइन का एहसास कराना, उस तरह से मैंने एक अप्रोच किया है। और यहाँ पे एक कलर के जरिए जो वैल्यू में जो अंतर करने के बाद जो एक फॉर्म क्रिएट हो रहा है, जो हमारे आज के जो विषय था कि वो टोनल वैल्यू, तो उसके ऊपर किया है। एंड में थोड़ा सा ये फ्लैग वगैरह डाला है ताकि इसको थोड़ा सा उसमें ध्यान आ जाए, थोड़ा मसाला आ जाए। तो यही है कि वो मोनोक्रोम में क्या हो रहा था, जैसे कोई नहीं लग रहा था। थोड़ा सा कलर्स में और इसमें एक्टिव में ह्यूमन में क्या होता है, ये इसमें लाइव हो जाता है। तो ऐसा कुछ क्या, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। एक मिनट मैं उड़ रहा हूँ, भरोसा है। क्या सर, जैसे हम यहाँ से सिंगर जी का बिना ये रिकॉर्ड हुआ क्या? अभी कर दो बंद बंद कर दिया ना? नहीं नहीं अभी कर रहे हो, रिकॉर्ड नहीं किया था।